हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिखाज इंस्टीट्यूशन। कल हमने एक पोयम पढ़ी थी जिसका नाम था फेयर एंड आइज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम उसके बारे में जानेंगे हिंदी में कुछ मीनिंग्स और उसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। सो इन द वेरी फर्स्ट फोर लाइन पोइट कहना चाहते हैं कि जो दुनिया है वो आग के कारण खत्म हो जाएगी, कि लाइक वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा या उल्का पिंड धरती पे गिर जाएंगे। यहाँ पे इस टाइप की आग से मतलब नहीं है, यहाँ पे आग का मतलब लोगों की इच्छाओं से है। सो फायर लाइक डिजायर, इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं लोगों की तो वो अपनी इच्छाओं के कारण इस धरती को पूरी को खत्म कर देगा। एंड सेकंड स्टेंजा में पोइट कहना चाहते हैं कि आइस एज आ जाएगी, यानी कि पूरी दुनिया में बर्फबारी हो जाएगी। कि वो लोग सोचते हैं कि एक दूसरे से नफरत करेंगे, ईर्ष्या, जलन, आगे तो बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते, जल जल के मर जाएंगे। तो यहाँ पे आइस से मतलब ह्यूमन बींग्स हीटर से, नफरत की भावना से। मेटाफर, तो यहाँ पे हमारा जो पोइट है वो मेटाफर यूज करते हैं। उनकी पोइटिक डिवाइसेस इतनी ब्यूटीफुल है ना कि वो कहना चाहते हैं कि बाय कंपेयर फायर टू डिजायर वी गेट द सेंस दैट डिजायर इज अ सिन। यस, इच्छाएं एक पाप का कारण होती हैं। एंड आइस इज कंपेयर टू हेटर्ड इन लाइन 6 थ्रू आउट 8 वी कैन सी। एंड सिम्बॉलिज्म, अगर हम सिम्बॉलिज्म देखते हैं पोइट का, तो द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द टू सिम्बल्स ऑफ फायर एंड आइस। इन द फर्स्ट टू लाइन्स वी डोंट येट नो दैट दे आर सिम्बल्स। सो फायर मीन्स डिजायर, इच्छाएं बढ़ चुकी हैं तो धरती खत्म तो हो ही जाएगी, क्योंकि इच्छाएं तो खत्म होती नहीं है, धरती ही खत्म कर दोगे एक दिन। एंड आइस एज का मतलब है यहाँ पर कि जो पोइट है, वी नो दैट फायर एंड आइस आर सिम्बल्स फॉर ह्यूमन बिहेवियर्स एंड इमोशंस। तो हेटर्स से मतलब है कितनी नफरत है लोगों को एक दूसरे को देख करके, खुश ही नहीं है। तो हेटर्स है यहाँ पर आइस एज की से वो कंपेयर करता है आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम चिल्ड्रेंस, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहा है इस पोयम को। आप बहुत अच्छे से रीड करें और बहुत अच्छे तरीके से समझें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहता है। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल।